नमस्कार। अब तक हमने प्रायिकता सिद्धांत के निम्न विषयों को समझा है। हमने यादृच्छिक परीक्षणों को देखा है, इनके फलस्वरूप जनित प्रतिदर्श समष्टि, इनके फलस्वरूप जनित प्रतिदर्श समष्टि, घटना समष्टि एवं प्रायिकता परिमाण के त्रय, प्रायिकता समष्टि को जाना है। हमने यह भी देखा है कि परिणाम क्या होते हैं, एवं हमने यह जाना है कि घटनाएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ हमने घटनाओं की प्रायिकता को भी जाना है। अब जो कुछ हमने देखा है वहाँ हम एक घटना को या किसी भी यादृच्छिक परीक्षण की एक घटना को अलग से देख रहे थे, अथवा हम अब तक हमने घटनाओं को एकाकी घटनाओं की तरह देखा है, जैसे कि हम केवल एक घटना के होने न होने एवं उसकी में ही जहां हमने एक से अधिक घटनाओं की बात की है, जैसे कि घटनाओं के सम्मिलन अथवा घटनाओं के प्रतिच्छेदन की, वहां भी हमने यही देखा है कि जहाँ हमने घटनाओं के सम्मिलन अथवा प्रतिच्छेदन है, वहाँ भी हमने एकाधिक घटनाओं को एक ही घटना में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अभी हमने इन घटनाओं को एक ही घटना में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इसका कारण स्पष्ट है कि एक घटना के लिए प्रायिकता के परिमाण निकालना एवं उन प्रायिकता के परिमाणों को समझना हमारे लिए सरल है, किंतु जब भी हम भौतिक क्रियाकलापों की बात करते हैं अथवा जब भी हम किसी असल प्रणाली को समझने की बात करते हैं, वहाँ पर घटनाएँ एकाकी, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, किंतु
असल घटनाएं काकी नहीं होती और अक्सर हमारी रुचि एक घटना के होने पर उस के ज्ञान द्वारा किसी अन्य घटना विषय में अपनी समझ में है। जैसे कि यदि आज वर्षा हुई तो कल वर्षा होने की संभावना क्या है, यदि आज दिन का तापमान कुछ डिग्री रहा तो रात का तापमान होने की संभावना क्या है, ओले पड़ने की संभावना क्या है इत्यादि। तो हमारी कोशिश या हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज्ञात घटनाओं का प्रयोग कर अज्ञात के विषय में कुछ आकलन सकें। एवं प्रायिकता सिद्धांत का एक विज्ञान के रूप में एक मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम किस प्रकार ज्ञात घटनाओं का प्रयोग करके अज्ञात के विषय में कुछ आकलन कर सकें। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम आज की हुई वर्षा से आने वाले कल की वर्षा की संभावना भी जान सकते हैं, एवं इसके और कई उपयोग हैं जिन्हें हम इस कोर्स में आगे देखेंगे। किंतु यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि हम एक यहाँ पर हम घटना के होने पर किसी अन्य घटना के होने की प्रायिकता जानना एक घटना के होने पर किसी अन्य घटना की प्रायिकता जानना चाहते हैं, इसे कुछ इस प्रकार भी देखा जा सकता है संबंधित घटनाओं में किसी एक के विषय में सूचना होने पर हम उस सूचना का उपयोग अन्य संबंधित घटनाओं विषय में कुछ
सूचना जानने हेतु कर सकते हैं। संबंधित घटनाओं में किसी एक के विषय में सूचना होने पर हम उस सूचनाओं का उपयोग अन्य संबंधित घटनाओं के विषय में कुछ सूचना जानने हेतु कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास कई संबंधित घटनाएं हों तब से किसी एक की सूचना अन्य घटनाओं के विषय हम इस अधूरी सूचना उपयोग अज्ञात घटनाओं के विषय में अधिक जानने हेतु करना चाहते हैं। अब इसका एक उदाहरण लेना आवश्यक है। हम यह देखते हैं कि जैसे एक पासा फेंकने पर यदि हम एक घटना ई परिभाषित करते हैं कि पांसे के मुख पर आया अंक 2 है एवं हम एक घटना एफ परिभाषित करते हैं पांसे के मुख पर आया अंक 1 सम संख्या है अथवा तब हम यह देखते हैं कि जब हमें यह पता चलता है कि घटना F हुई है तब हम यह कह सकते हैं कि घटना E होने की प्रायिकता अथवा हमारा घटना के विषय में कुछ ज्ञान बढ़ा है किंतु हमें उस घटना की पूर्ण सूचना नहीं मिली। हम यह भी कह सकते हैं कि हम यदि हमारे पास F की सूचना है तब हम उस परीक्षण के लिए जिस परीक्षण की घटना F है तब हम उस परीक्षण के लिए अपने प्रतिदर्श समष्टि का आकार घटा सकते हैं एवं हमारा नया समष्टि केवल F होगा। इसे ही दोबारा समझाते हुए हमने एक यादृच्छिक परीक्षण किया जिसके विषय में हमें धुरी
सूचना उपलब्ध है कि घटना एफ घटित हुई अथवा परिणाम एफ का एक घटना एफ घटित हुई अथवा परिणाम एफ का एक अवयव है। अब इस सूचना के बाद हम उसी इस सूचना को ध्यान में रखते हुए हम उस यादृच्छिक परीक्षण लिए अपने प्रतिदर्श समष्टि का आकार घटा देंगे अथवा उसे प्रतिबंधित हम यह देख सकते हैं कि यह सूचना अथवा यह सूचना कि घटना F घटित हुई हमारे प्रतिदर्श समष्टि के लिए के संदर्भ में एक प्रतिबंध अब यदि हम किसी भी अन्य घटना E के होने न होने विषय में कोई भी आकलन करना चाहते हैं यदि हम किसी भी अन्य घटना जो कि उसी प्रतिदर्श समष्टि से ही संबंधित है हम किसी भी ऐसी अन्य घटना E के विषय में कोई भी आकलन करना चाहते हैं तो वह आकलन F के होने के प्रतिबंध में ही होगा। हम F के होने की सूचना हमारे परीक्षण की यादृच्छिकता कम करते हुए संभव परिमाणों के समुच्चय जो कि अब हमारा नया प्रतिदर्श समष्टि है को प्रतिबंधित इसीलिए
एफ के होने की सूचना होने पर, की सूचना होने पर किसी भी अन्य घटना ई की को सब हम किसी भी घटना एफ के होने की सूचना होने पर हम किसी अन्य घटना ए की प्रायिकता जब निकालते हैं तो उस प्रायिकता को हम सप्रतिबंध प्रायिकता अथवा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। घटना एफ के होने की सूचना होने पर घटना ई के होने की सप्रतिबंध को हम पी आर ई उपस्थित एफ द्वारा दर्शाते हैं। यहां इसे प्रायिकता ई उपस्थित एफ इसे प्रायिकता ई उपस्थित एफ बोला जाता है। अब घटना एफ के घटित होने पर भी यदि घटना घटित होती है तब इसका अर्थ है कि हम जिस यादृच्छिक परीक्षण के विषय में हम बात कर रहे हैं उस यादृच्छिक परीक्षण का परिणाम ई एवं एफ दोनों का यादृच्छिक परीक्षण का परिणाम ई एवं एफ दोनों का अवयव है। अब क्योंकि घटना एफ हो चुकी है इसीलिए एफ के अवयव ही हमारा नया प्रतिदर्श समष्टि है। एफ के अवयव ही हमारा नया प्रतिदर्श समष्टि है एवं इस सूरत में होने पर ई का होना असल में घटना
किंतु क्योंकि हमने अपना प्रतिदर्श समष्टि घटना F के होने के अनुकूल प्रतिबंधित कर लिया है, तथापि क्योंकि हमने अपना प्रतिदर्श समष्टि F के होने के अनुकूल प्रतिबंधित कर लिया, तथापि घटना E एवं F, E एवं F दोनों का होना अथवा E प्रतिच्छेदन F का होना अब F के होने के सापेक्ष है एवं इस आधार पर हम सप्रतिबंध की निम्न दे अब इस आधार पर हम सप्रतिबंध प्रायिकता की निम्न परिभाषा दे सकते हैं कि प्रायिकता E उपस्थित F है, प्रायिकता E एवं F भाग यह सप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा है। यहाँ हमने उन घटनाओं की बात की है जहाँ एक का होना अथवा न होना दूसरे के होने न होने पर असर है। किंतु ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं एक के होने से दूसरे के होने होने पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं अथवा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं अथवा इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। स्वतंत्र घटनाओं अथवा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम आने वाले कुछ व्याख्यानों में सावधानीपूर्वक समझेंगे एवं कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जहां एक घटना का होना दूसरी घटना का निषेध करता है। उदाहरणतः यदि E और F पूरक घटनाएं हैं
अथवा ई एफ पूरक का उपसमुच्चय है तब ई का होना एफ का एवं एफ का होना ई का निषेध करेगा, तब ई का होना एफ का एवं एफ का होना ई का निषेध करेगा। ऐसी घटनाओं को ई को जहां ई प्रतिच्छेदन एफ रिक्त समुच्चय हो परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं जहां एक का होना दूसरे के होने को वर्जित करे अथवा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। किसी घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं अथवा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। धन्यवाद।